क्या देश के राज्यपाल अब जेल भी जाएंगे? क्या उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे? क्या उनके खिलाफ FIR के बाद उनकी जांचें भी होंगी? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है, जिसमें अब सुनवाई के साथ साथ फैसला भी आ सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की आपराधिक अभियोजन से जुड़ी हुई एक संवैधानिक प्रावधान की समीक्षा करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयारी कर ली है। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को आपराधिक अभियोजन से छूट मिली हुई है। कोर्ट ने राज्यपाल CV आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट मामले में से निपटने में अटॉर्नी जनरल R वेंकट मणि से सहयोग करने को कहा है। कोर्ट ने बंगाल राजभवन की महिला कर्मचारी से कहा है कि वो अपनी याचिका में केंद्र को भी पक्षकार बनाए। दरअसल महिला ने राज्यपाल से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आपको बता दें, इस मामले में FIR कराने की कोशिश भी की गई थी और इस पूरे प्रकरण पर राज्यपाल और CM के बीच में अच्छा खासा तनाव भी हो गया था। आपको बता दें, बीते कुछ सालों से राज्यपाल लगातार चर्चाओं में रहे हैं और तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी खूब दौर चला है। आपको बता दें कि CGI DY चंचूर की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई करने की सहमति दे दी है। यह अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का अपवाद है और प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल और कर्तव्यों के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। महिला याचिकाकर्ता ने राज्यपालों को आपराधिक अभियोजन से छूट प्रदान करने के संबंध में विशिष्ट दिशा निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंचूड़, जस्टिस JV पादरीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल राजभवन की महिला की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को भी नोटिस जारी किया है और याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है। यानी संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को अभियोजन से छूट की संवैधानिक वैधता को लेकर सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। और बता दें कि राज्यपाल को सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में कोर्ट केस से छूट दी गई है। कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों के संरक्षण से संबंधित है। इसका खंड 2 कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, ना ही जारी रखी जाएगी। याचिका में कहा गया है कि इस अदालत को यह तय करना है कि क्या याचिकाकर्ता जैसी पीड़िताओं के पास राहत पाने के लिए कोई उपाय नहीं, जबकि एकमात्र विकल्प आरोपी के पद छोड़ने तक इंतजार करना है और सुनवाई के दौरान ये देरी अतार्किक होगी और पूरी प्रक्रिया महज दिखावा बनकर रह जाएगी, जिससे पीड़िता को कोई न्याय नहीं मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।